आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के दंगल में बोले टीएमसी प्रवक्ता कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एक संस्कृति को लुप्त किया जा रहा है। मणिपुर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंटेल की रिपोर्ट है, इसमें सरकार की पूरी भागीदारी है। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो बीजेपी पर कीर्ति आजाद ने लगाए हैं। आज तक के दंगल में क्या बोली टीएमसी प्रवक्ता ने, पूरी बात आप खुद सुनिए। पिछले 80 दिनों से एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है और उसके अंदर पूरी तरीके से सरकार की भागीदारी है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें पता लगा है कि आया है। इस परिस्थिति में जब आप बंगाल से जोड़ते हैं, लॉकेट चैटर्जी यहां पर बैठी हुई हैं, दो इन्होंने उदाहरण दिए, उसमें से एक उदाहरण था कि दो महिलाएं थी जो चोरी कर रही थी, उनको स्थानीय औरतों ने पकड़ा। चोरी करना भी गलत है और उनको मारना भी, कानून हाथ में लेना गलत है। ऐसे मैंने आपके चैनल पर आपको बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए देखे, नोएडा में लोगों ने मिलकर के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, एक कोई त्यागी था जो कॉलोनी में जाकर वहां मार रहा था, तो क्या उसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को कहूं, या वहां पर हमारे जैसे सभ्य लोग जब असभ्यता करते हैं तो उसके अंदर हमें शर्मसार होनी चाहिए। उसके अंदर किसी पार्टी का नाम कहां से आता है।